हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोहाना से सामने आ रही है श्री दुर्गा कॉलेज की छात्राओं का हल्ला बोल। टोहाना रोड पर लगाया जाम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फतेहाबाद टोहाना रोड पर लगाया जाम, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। और तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्राएं हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और फतेहाबाद टोहाना रोड पर जाम लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोहाना से सामने आ रही है, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही का भी आरोप लगाया है। टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री दुर्गा कॉलेज की ये छात्राएं हैं जिन्होंने आज प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको देखकर अपना रोष जाहिर किया है और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। तो श्री दुर्गा कॉलेज की ये छात्राएं हैं, इन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है, फतेहाबाद टोहाना रोड जाम भी कर दिया है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज आपको टोहाना से सीधी तस्वीरें भी दिखा रहा है कि किस तरीके से श्रीराम कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो अपना रोष यहां पर व्यक्त कर रही हैं और कॉलेज प्रशासन पर इन छात्राओं ने तानाशाही का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टोहाना से हमारे संवाददाता नवल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, पूछना चाहेंगे कि कॉलेज प्रशासन पर किस तरीके से इन छात्राओं ने आरोप लगाया। इनका कहना है कि कॉलेज जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, तो क्या कुछ इनकी मांग है? जो कॉलेज प्रशासन है इसके खिलाफ जो है छात्राएं रोड पर आ गई, उन्होंने जाम कर दिया और उनका ये कहना था कि इससे पहले भी वो है दो तीन बार अपनी मांगों का संज्ञान जो है कॉलेज प्रशासन वह कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनको दे चुकी हैं, मगर उनका कोई हल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर आज रोड पर आना पड़ा है और उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। उनकी मांगे जो थी वो पिछले समय में एक जो लड़की है उसके साथ किसी ने मारपीट की है, वो भी उनका मुख्य मुद्दा रहा कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा उनकी ये थी कि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो शिक्षक हैं और जो यहाँ का स्टाफ है उसकी सैलरी नहीं दी जा रही, तो उनका कहना था इसकी वजह से भी वो लोग रोष में हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इसके अलावा उनका कहना था स्कूल में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं है, ये जिसकी वजह से दूसरों पर ओवरलोड रहता है। और जो फीस है, फीस भी उनका यही कहना था कि बहुत ज्यादा फीस है जिसको देने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इस तरह की कई मांग थी जो उन्होंने मौके पर रखी। इसके अलावा रोडवेज की जो बस है वो उनके यहाँ कॉलेज के आगे नहीं रुकती, तो इस तरह से कई समस्याएं जो है उन्होंने सामने रखी जिनका वो निवारण करने के लिए आज रोड पर थी, जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद यहाँ मौके पर तहसील नायब तहसीलदार डीएसपी एसडीएम यहाँ पहुंचे और उन्होंने छात्राओं को समझाया और जो इस मामले में अभी बैठक चल रही है और बैठक के अंदर सहमति बनती नजर आ रही है। जी नवल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इन छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की, फतेहाबाद टोहाना रोड पर भी इन छात्राओं ने जाम लगाया। अपनी कई मांगों को लेकर ये छात्राएं जो है कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर।